अज माननीय डीजीपी साहब के दिशा निर्देशों के उत्ते कोऑर्डिनेट सर्च के लिए ऑपरेशन ईगल टू चलाया जा रहा है। कुछ दिन पहला ईगल वन चलाया गया। ये ऑपरेशन सारे पंजाब के डिस्ट्रिक्ट और कमिश्नरेट्स के चलाया जा रहा है, जिदे उन्होंने दिशा निर्देश के मुताबिक सारे रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, उन्होंने आले दुआले होटल, स्पैशल नाके इतने लगाए जा रहे हैं ता जो कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी है या कोई बंदा है उन्होंने रोकया जा सके, उन्होंने पढ़ा जा सके। सर यह सरहदी इलाका है, इन कोई स्पैशल इंतजाम किए गए पंजाब के होर इलाकों नालों वक् सिक्योरिटी परपज नैके या नाइट पेट्रोलिंग लैके क्योंकि बॉर्डर एरिया पैंता है? नहीं, नाइट पेट्रोलिंग ऑलरेडी चलती है, डे पेट्रोलिंग भी तुसी देखी होनी है, ताडे शहर दे विच तुहानू नजर आ रही होनी जी। अज उसे कड़ी दे विच स्पैशल नाके भी लगे हुए ने, अभी सारे शहर के नाके चैक करके हुण जलालाबाद आए, फाजिलका के नाके चैक करके बाद विच अबोहर जावांगे। सैकंड लाइन ऑफ डिफेंस तुहानू पता है ऑलरेडी बॉर्डर के उत्ते लगी हुई है जी, जिहदे उत्ते फाजिलका जिला की पुलिस जिहड़ी है तैनात है जी। स्पैशल अरेंजमेंट्स इन प्लेस है, जरूरत पैण के मुताबिक अगर कोई रिक्वायरमेंट आती है तो डीजीपी साहब तो बेनती करके एक्स्ट्रा फोर्स भी ली। ठीक सर, थैंक यू। ये जी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं, ये 26 जनवरी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन रख के ही ऑपरेशन ईगल टू चलाया जा रहा है ताकि आम शहरियों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक मेजर बनया रहे जी। उन्होंने लगे कि जी पंजाब पुलिस है उन्होंने नाल है, उन्होंने साथ है जी। इसी चीज वेरीफाई करांगे ताही जो बुजुर्ग बंदे ने भी सारे पेमेंट भी लै चले हैं अभी इन्होंने ना ले जाके सारा जो है कैमरे के थ्रू अभी सारी अकाउंट करके ते सारे जो हालात है वो पता करेंगे भी कितों लैके आ रहे थे, कि पेमेंट है, इन्होंने कितने लैके जानी थी। सर की अपील करने चाहोगे कि यह सेफ है इस तरह के नाल एक गट्टे दे विच इन्नी पेमेंट पाके जाना? यही तो कहते अजकल तो जो जी चीज बैंकिंग के थ्रू हो सब तो ज्यादा बेस्ट हैगी है, हम यही प्रॉब्लम कित आए नहीं जी, कि स्नैचिंग होती या इन्होंने कुछ खिलाफ ला के सुला देते तो पैसे चाहिए चक लेने फिर कल सू भी प्रॉब्लम होनी जी, आम पब्लिक ने भी होंगे भी इतने जो क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है, तो इन्होंने थोड़ा समझना चाहिए भी असं आ काम इतना ना करिए। थ्रू जी पेमेंट अगर तो बड़ा वधिया है बैंकिंग के थ्रू है, नैट बैंकिंग चलती है जिसमें मरी पेमेंट अच्छी उपर तले कटा सकते हैं, कोई बार वेरीफाई कर लेंगे भी की कहें कि उस हिसाब से जो बनती कार्रवाई की है जी। जिहड़ा पुराने चैकिंग कुछ नकदी बरामद हुई है, इनिशियल तौर पर कह रहे हैं कि साड़ी जी कि मोमोज की दुकान लाने हैं, असं हूँ इस क्लीयर करा पहले तो अकाउंट कैश है कि नहीं इन गिणा, तो दैन जो वेरीफिकेशन तो बाद जो भी बनती कार्रवाई अमल चले। सर शक्की लगता मोमोज लाने तो इस तरह के नाल गट्टे दे विच इन्नी वड्डी पेमेंट? देखो असी पुलिस का काम है हरेक काम नूं जिहड़ा शक की निगाह नाल वेखना, बिल्कुल तुहाडी गल जायज है और शक की निगाह दे नाल ही इहनूं वेख के सारा वेरीफाई किया जाएगा, बट कई बार जिहड़ी सारी उम्र भर की कमाई हुंदी है जिदा कह रहे भी मैं अपना जिहड़ा मकान लैना फिर भी जिहड़े हालात प्रॉपरली जिहड़े चैक किए जाएंगे वेरीफाई किए जाएंगे और जिहड़ी बनती कार्रवाई अमल च लैंदी जाऊगी जी। इतना पैसा तुम ऐसे मैं मकान ले रहा था बाबू जी, मैंने खिता करा सब जगह से, अरे ये गट्टे में डाल के घूम रहे हो? मैं देने जा रहा था, मतलब कहाँ के रहने वाले हो? यूपी के। और पैसे कहाँ देने जा रहे हो? अब तो मैं लड़के की शादी में तो जा रहा हूँ उधर, लड़के की शादी। क्या काम करते हो? मोमोज का काम करते हो? मोमोज का काम करते हो कहाँ पे? यही पे जलालाबाद में। जलालाबाद कितने साल से? 12-13 साल हो गया। अच्छा तो आज ये इतना नकदी कितना है? ये मतलब मैं मकान ले रहा था, मैंने सब लोगों से इकट्ठे करे। अच्छा अब मकान मेरा बना नहीं है। ये टोटल रकम कितनी है? कितनी है? ये 9.5 लाख होंगे, अल्लाह का ज्यादा होंगे, इतने गिने नहीं है आपने? नहीं, मैंने कि 5 लाख जो उधर से ले आया वो गिने लगा। 5 लाख तो उधर से ले आया, इधर से कितने लेके आ रहा है? इधर से 4.5 होंगे। अच्छा कन्फर्म नहीं है पूरा? नहीं, मैंने पैसे गिन के नहीं निकले घर से? ना 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 ना, तुम्हें पता है मैं तो रात रात का काम है।